भारत ने आज नॉर्वे के स्वालबार्ड में अपने अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री में एक साल की उपस्थिति बनाए रखने के प्रयासों के तहत आर्कटिक क्षेत्र में अपना पहला शीतकालीन विज्ञान अभियान शुरू किया। दिल्ली के पृथ्वी भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अभियान का शुभारम्भ किया। केंद्रीय मंत्री ने इस अभियान में जाने वाले चारों यात्रियों का अभिनंदन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने रात के दौरान वायुमंडलीय अवलोकन करने, ध्रुवीय अध्ययन और समुद्री बर्फ में परिवर्तन करने के लिए आर्कटिक क्षेत्र में चार वैज्ञानिकों वाले पहले शीतकालीन अभियान को हरी झंडी दिखाई। ये आर्कटिक का पहला शीतकालीन अभियान है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैज्ञानिकों की टीम 30 से 45 दिनों तक नाइलसुंड के अनुसंधान केंद्र में रहेगी और उसके बाद दूसरी टीम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की अब आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान स्टेशन पर साल भर मौजूदगी रहेगी, जैसा कि दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका में है। भारत ने आर्कटिक जलवायु और भारतीय मानसून के बीच संबंधों का अध्ययन करने के उद्देश्य से क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2007 में अपना आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया। सरकार ने पिछले साल आर्कटिक नीति का अनावरण किया था। इस क्षेत्र में अधिक अनुसंधान स्टेशन और सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बनाने की योजना साझा की थी। दिल्ली से संवाददाता शुभ सेठ की रिपोर्ट। पहली बार भारत का शीतकालीन का टीम जो आर्कटिक सर्कल में जाने वाले हैं वो आज रवाना होने के लिए सब तैयार है और हमने फॉर्मल लॉन्च किए हैं। भारत एक उभरता हुआ देश है और पोलर रीजन जो आर्कटिक और अंटार्कटिक में साइंस के बारे में, खास करके क्लाइमेट साइंस के बारे में जो स्टडी करता है वो बहुत अहम होता है। और आज विश्व में आइस मेल्टिंग, जो बर्फ पिघलने से समुद्र का जो लेवल बढ़ रहा है, उसका कारण है पोलर रीजन का आइस का पिघलना। तो इसलिए उसको स्टडी करना, वो सिर्फ आइस ही नहीं बल्कि जो दुनिया में वायुमंडल में गर्मी होने से मौसम बदल रहा है और मानवता का भविष्य को जो खतरा है उसका भी